हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हुड्डा साहब, इस क्षेत्र ने 10 साल आपके स्वार्थ का राज देखा है, अब ये जनता आपके झूठे झांसे में नहीं आएगी। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये समझते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से यहाँ एक ठेकेदार छोड़ करके लोहारू के वोटों को ले जाएंगे। मुझे लगता है कि उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भिवानी की जनता बहुत जागरूक है, इनको पहली बार चौधरी बंसीलाल जी के बाद में समझ में आया है कि हरियाणा सरकार में हिस्सा होने से इनको बीमा मिला है, मुआवजा मिला है, नहरी पानी मिली है, गरीबों को नौकरी मिली है, सोलर के पंप मिले हैं, फसलों का भाव मिला है। तो ये जो है सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे और यहाँ जो इनकी कोशिश है हुड्डा साहब की, यहाँ से उनको बैरिंग भेजेंगे। वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू में गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा में फिर से कमल खिलने का भी दावा किया। बहरहाल विधानसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके दावों पर मुहर लगाएगी ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हुड्डा साहब, इस क्षेत्र ने 10 साल आपके स्वार्थ का राज देखा है, अब ये जनता आपके झूठे झांसे में नहीं आएगी। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये समझते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से यहाँ एक ठेकेदार छोड़ करके लोहारू के वोटों को ले जाएंगे। मुझे लगता है कि उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भिवानी की जनता बहुत जागरूक है, इनको पहली बार चौधरी बंसीलाल जी के बाद में समझ में आया है कि हरियाणा सरकार में हिस्सा होने से इनको बीमा मिला है, मुआवजा मिला है, नहरी पानी मिली है, गरीबों को नौकरी मिली है, सोलर के पंप मिले हैं, फसलों का भाव मिला है। तो ये जो है सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे और यहाँ जो इनकी कोशिश है हुड्डा साहब की, यहाँ से उनको बैरिंग भेजेंगे। वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू में गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा में फिर से कमल खिलने का भी दावा किया। बहरहाल विधानसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके दावों पर मुहर लगाएगी ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।